मंदिर पे बिजली गिरती है तो पुजारी जी पे भी बिजली गिरती है, बिजली महादेव में। लेकिन तो ये है पुजारी जो है बरामदे में आसन है उसका, हाँ तो वो तो बिजली लगने लगना है वहाँ, 3 साल में बिजली पड़ता है वहाँ एक साथ एक बार। उनको कितनी बार बिजली लग चुकी? कई 3-4 कई बार लग चुकी है। जो भी वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी जो पुजारी रहा है उसको बिजली मार गया है। अब वो पुजारी का लड़का है, पुजारी तो मर गया बिजली से। हाँ नहीं, जो बिजली वाला अपनी मौत मरा होगा, अपनी मौत मरा है वो, बिजली की मौत से नहीं मरता, वो अधरंग कर देता है पूरा। अच्छा अच्छा हाँ। बाबा जी सबको ना बड़ा वो उत्सुकता रहती है कि जो नागा साधु हैं वो कुंभ मेले में दिखाई देते हैं, फिर वो कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं? अभी लोग तो है नागा साधु, अब जो है अभी सब नंगे फिरेंगे तो कोई कहेगा साला पागल है भाई, समाज में रहना तो अपना पर्दा करके रहना पड़ता है। अच्छा ये कारण कुंभ मेला में तो जो है जिस दिन शाही स्नान होगा लगा के नंग धड़ंग अपना फूल माला लगा के हाँ जब निकलते हैं अपना अपने जंगलों में गुफाओं में चले जाते हैं। सब यही साधु लोग होते हैं, बड़े बड़े महंत लोग हैं, बड़े बड़े वो हैं। मैंने एक 2001 में मिले मुझे एक महाराज ना, मुश्किल से रहे होंगे उस 21 और 22 साल के, अब मेरी उम्र भी लगभग 6 में थी महाराज, तो वो मतलब सिरगा रहे श्रृंग ऋषि की इस पे ना गुफा पर, मैं ही ले गया उनको वहाँ। जब उन्होंने वो रहे पहले जफोल के ऊपर जंगलों में, अब वहाँ क्या हुआ कि गांव वालों ने उन पर आक्षेप लगा दिए ना, महिला ही जाती थी घास घूस के लिए, वो वहाँ से भागे और वहाँ आए कहाँ सिरगा में। मैंने बोला चलो बहुत दिनों बाद जो है ये साधु दिखा, चलो ठीक है। मैंने रोका उसको, मंदिर में रहा, लेकिन उसकी ये थी घास तो उसने खाया कुछ नहीं, खाया कुछ नहीं बस। और उसके बाद जो है 2-3 दिन वहाँ रहे, उन्होंने जब पूछा तो हमने बताया, मैंने कहा एक श्रृंग ऋषि थे उनकी गुफा आज भी यहाँ है, आप जाना चाहेंगे तो। और गुफा कैसी है कि टोंस नदी के घाटी पर है वो, हाँ बहुत खतरनाक जगह। ले गए हम उनको, रस्से से उतार दिया और वहाँ उन्होंने अपनी झोली से मुझे चेक कराई, एक आलू था वो भी नीचे डाल दिया मैंने टोंस में। उन्होंने बोला 21 दिन बाद आना भाई तुम, वहाँ पानी खूब इतना गर्म निकलता है गुफा में और बस कम से कम 8 से 10 लोग रह भी सकते हैं। और मैंने बोला 17वें दिन मुझे पता नहीं क्या लगा, मैंने बोला यार चलो कहीं मर न गया हो मारा, मुझे कुछ नहीं खाने पीने के लिए उस आदमी के पास कुछ है ही नहीं। हम आए तो जैसे बैठा हुआ था पद्मासन लगा के वो वैसे ही था ठीक। हमने उन तेल तुल ले गया, उनके हाथ पाँव थोड़ा सीधे करे और थोड़ा हलवा हलवा बनाया और फिर उनको ऊपर उतारा। उसके बाद गए वो कहाँ सरताज, सरताल में वो बिना खाए पिए जीवित रहे कई दिनों तक मारा। अभी कहाँ है? उसके बाद तो वो जब वो सरताल से आए उतरे वो करीबन 2006-07 में, उसके बाद वो दोबारा आए नहीं इस क्षेत्र में। मतलब मैंने उनको काफी तलाश की जैसे कहीं देखने के ना कहीं वो, लेकिन वो आए नहीं। पर उनको मैंने पहली बार देखा हमारा, जो मतलब ये भी नहीं उनका कोई ये नहीं था, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं और खान पान भी नहीं ना। मैंने उनको देखा, मतलब मैं भी राहुल के साथ 3-4 दिन तक किसी भी समय उन्होंने मैंने उनको देखा ही नहीं कुछ खाते। पंकज तुम्हारा फोन बज रहा है बाबा जी, गुलाड़ी वाले वो भी अपने आप में काफी ये रहे, वो आज भी है और मतलब करीबन 100 साल के होने वाले हैं और आज भी जब उड़ते हैं अपनी फुर्ती से चलते हैं तो मतलब जिस समय उन पर ये होती है मतलब पैदल भी चल देते हैं कितने भी किलोमीटर। अभी वो हॉस्पिटल में रहे उत्तरकाशी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ उनके डॉक्टर से थोड़ा अनबन हो गए तो वो जो है 3 मंजिल से कूद कर करीबन ये लगा दो कि वो क्या बोल रहे थे हमारा 350 यानी 30 किलोमीटर पैदल चल दिए। 3 मंजिल से कूद के 30 किलोमीटर तक पैदल चले, चल दिए उसके बाद मारा डॉक्टर को त्रिशूल से त्रिशूल से। वो जब सिरगा गए ना माओ जी पहले तो ऊपर के लोग थोड़ा पहले ऐसे थे ना कि आसानी से किसी को पूछताछ नहीं होती थी महाराज जी। अब क्या हुआ वो गए मंदिर में बैठ गए, अब बैठ गए तो किसी ने पूछा ही नहीं आप खाओगे पियोगे क्या करोगे, वो भी बैठे रहे, उन्होंने भी किसी को नहीं बुलाया बैठे रहे। और जब शाम को ऊपर
ये होता ना ढोल बजता है रात को महाराज, बस ढोल बजता है तो क्या होता है कि उन्होंने उसको बुलाया अपने पास, वो मंदिर के पास ही बजाता है ना पूरे गांव के लिए कि खाना पीना खा लिया है लोगों ने, अब सोने का समय हो गया है। तो उसने उसको बुलाया, उसने बोला इधर आवाए, बुलाया उसको अपने आवाज ने बोला सुन भाई मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ और तो बताना मत किसी को। उन्होंने बोला बोलो महाराज क्या बात है। उसने बोला देख भाई तुम्हारे गांव वाले ना तो अभी तक खाने पीने के लिए पूछ रहे हैं ना कुछ, मैं कुछ अगर कर रहा हूँ तो बस तू डरना मत, तो बजाते ही रहना ताकि लोग ये समझे कि आज ये क्यों बजा रहा है इतनी देर तक। उसका समय होता है हमारा बजाने का 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा। अब हुआ क्या कि महाराज जी ने जो है अपना रूप धारण किया और शेर बन के बैठ गई अपने आसन पर, और वो बजाने वाले उसकी हालत खराब हुई। उसने बोला ये हुआ क्या, पर वो लगा रहा हमारा। गांव वालों ने जब सुना कि आधा घंटा हो गया रे कंटिन्यू बजा रहा है, ठीक है लोग एकत्रित होने लगे क्या बात, अब जो भी आए हमारा वो उसके पास खड़ा हो जाए बागी के पास, और वहां से देखे सामने महाराज जी के आसन पर शेर बैठा हुआ है गुर्रा रहा ठीक कट्टे होते गए लोग महाराज। फिर जब महाराज जी ने समझ लिया कि सारे लोग आ गए गांव के अब ठीक, तब वो जो है अपनी अवस्था में आ गए। तब सारे लोग नतमस्तक हुए, दूध महाराज दूध घी लाइन लगे उसके बाद तो महाराज जी को कई दिनों तक ये बोला आप यहीं रहेंगे। वो आज भी है, मतलब आज भी करने में सक्षम है ऐसी चीजें ना। कहाँ रहते हैं? यहाँ मठ में है अभी। कौन सा मठ में? ये गुंडर गोंदिया रास्ता जाता है, गांव का नाम है समाधि मठ। 5-6 किलोमीटर? हाँ 5-6 किलोमीटर, थोड़ा चढ़ना है पैदल। पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे आप चलना चाहते हैं तो हम चल देते हैं आपको, अगर उनसे मिलना है आपको। वो नहीं जाते हैं, या तो उनका स्थान मड़केश्वर में है बनाल में, जहाँ भगवान शिव का ये किया है उन्होंने मड़केश्वर में, उसके नीचे ही रहते हैं। मिलेंगे तो फिर मैं दर्शन कर लेती हूँ, तो रुक जाऊंगी। हाँ रुक जाइए, हम करा देते हैं उनके दर्शन आपसे। चलेंगे बाबा जी आप? हाँ महाराज जी को ले चलेंगे थोड़ी देर उनके। और क्या आप वो बोल रहे थे सप्तशृंगी जी की गुफा, वो कहाँ है? ये सिरगा में है। सिरगा गांव है ये, सिरगा जो केदारकांठा सांकरी। हाँ। सांकरी तो देखा है, गए हैं? रास्ते में पड़ा था, मतलब जानते हैं कि सांकरी है। सुना होगा आपने, गए हैं? आप गए सांकरी? अरे मोरी सांकरी रास्ते में पड़ता है ना? नहीं पड़ता। नहीं मोरी से 20 किलोमीटर आगे है। अच्छा अच्छा। और सांकरी से आगे फिर एक सिरगा गाँव है, उस श्रृंग ऋषि की गुफा आज भी है वहाँ। ओहो आज भी वैसे ही जाते हैं रस्सियों के सहारे? हाँ मतलब अब तो रास्ता बन गया होगा, पुल बन गया होगा। नहीं वो वहाँ रास्ता बन ही नहीं सकता। मैं वो ठीक गांव के नीचे टोंस नदी के बिल्कुल चट्टान पर कटी हुई गुफा है, और 4 मीटर आपको ऐसे जाने, सिर्फ आपके नाखून फंस सकते हैं पैरों के हो तो, या तो आप कूद के जा सकते हैं, आप इतने मतलब अपने में रख सकते हैं कि इतनी लंबी छलांग लगा देंगे आप, और या फिर जो पहला आदमी जाएगा वो रस्सी बांधेगा, फिर बाकी लोग उस रस्सी के सहारे उतरेंगे। 4 मीटर का रास्ता तो इस टाइप का है, बाकी ढलान है गांव से जाने के लिए कंटिन्यू, गांव से ठीक नीचे है जो ऊपर से रूपे नदी आ रही है, जो आगे जाके टाउन बनती है उसके ठीक इस पर बनी हुई है, और मतलब गर्म पानी निकलता है, हमारा करीबन इतना मोटा गर्म पानी निकल रहा है चट्टान से। कुछ नहीं है महाराज, श्रृंग ऋषि की गुफा जो सिरगा गाँव है ना, महाराज जो श्रृंग ऋषि का ही गांव है, भगवान जो केदारनाथ है वो पहले केदारकांठा में आए तपस्या करने, पहले केदारनाथ नहीं था महाराज, केदारनाथ भगवान केदारकांठा में, जो केदारकांठा नाम है इसलिए है कि केदारनाथ भगवान बल पहले केदारकांठा में आए दर्शन करने महाराज, ठीक है। अब क्या हुआ, जब वो तपस्या करने लगे तो सिरगा में श्रृंग ऋषि महाराज रहते थे, उनकी गाय थी, उनकी गाय ने सुबह आवाज लगा दी और भगवान की तपस्या भंग हो गई। भगवान ने बोला यह स्थान शायद उचित नहीं है, और वो वहाँ से केदारनाथ के लिए प्रस्थान कर गए, और तब से उस जगह का नाम केदारकांठा है। अब क्योंकि सामने श्रृंग ऋषि रहते थे, और श्रृंग ऋषि की लीलाएं बड़ी अजीब गरीब होती है महाराज, आज भी इसलिए उनकी गुफा है, और उस गुफा से महाराज आज भी है नदी पर सीढ़ी बनी हुई है पत्थरी पर उतरने के लिए, उसी पत्थर पर जो चट्टान गुफा की है वो इतनी लंबी चट्टान है कि बिल्कुल नीचे तक जो है टोंस तक उस पर सीढ़ी बनी हुई है।
आज तो नदी के कटाव से वो कम हो गया ना, जो स्टेप रहे होंगे, लेकिन उस समय शायद वो पूरे रहे होंगे। गुफा कितनी लंबी है? गुफा में 10 से 12 लोग आराम से आप रह सकते। अंदर कुछ स्थापना है? कुछ नहीं है, सिर्फ पानी निकलता है गुफा के अंदर से, गर्म पानी। ओह, मतलब पूरी वहाँ थोड़ी देर में आदमी जो पसीने से हो जाता है जब वो पानी चलता है ना। आपको इतनी नॉलेज कैसे है? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, प्राइमरी एजुकेशन। लेकिन आपका कुछ रुझान भी तो रहा होगा। रुझान यह है कि मतलब मैं उस क्षेत्र में जॉब किया हूँ, मेरे फर्स्ट अपॉइंटमेंट उसी श्रृंग ऋषि की धरती पर है, सिरगा गांव में। कृपा है आपके ऊपर, तभी वो साधु महाराज सिर्फ आपको मिले। हाँ, बिल्कुल, नहीं तो हाँ, यहाँ मतलब, किसी से पूछो तो किसी को कुछ भी नहीं पता है। मुझे मतलब इस बात को मैं भी मानता हूँ, मुझ पर शायद कुछ शायद भगवान शंकर की कृपा है या जिसकी भी रही हो, आज भी है। मतलब मैं अगर किसी जगह गया हूँ तो मुझे ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ ऐसा ये किया होगा एटमॉस्फेयर तैयार कि जो मेरे योग्य और आग, मतलब अब मैं जानने की कोशिश भी करता हूँ लोगों से, जब गांव में जाता हूँ, आज भी जाता हूँ जिस गांव में जॉब कर रहा हूँ, आज भी मैं उसी क्षेत्र में हूँ पर थोड़ा अलग गांव में हूँ। ये मंदिर में योगदान, सबसे बड़ी योगदान जो मिलता है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम ब्रिजमोहन सिंह सजवान है। बहुत अच्छा। मतलब इस मंदिर पर भी, मतलब मैं यहाँ 16 साल बैठा हूँ इस जगह पर, इस मंदिर को देखते देखते, मतलब इसको बनते हुए, मतलब मेरे देखते देखते इसने जब अपना रूप लिया 22 साल, और मैं यहाँ 16 साल से इसी को देखता रहता था, यार क्यों नहीं बनता होगा, क्यों नहीं बनता होगा। बस इसी की कृपा हुई कि उसने बोला भाई तुम ही आगे आओ जरा, और क्या, कुछ उसके ऐसे प्रेमी मिले जिन्होंने हाथ बढ़ाया, गुरु जी का सानिध्य मिला, एक शास्त्री जी हैं जिनका मैं सानिध्य मिला, शिव प्रसाद व्यास जी संस्कृत विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं, बस उनका आशीर्वाद मिला, अब उनके सहयोग से लोगों के लिए थोड़ा यह है कि आने जाने के लिए मंदिर बन गया। प्राचीन स्वरूप कैसा था मंदिर का? ये तो बहुत छोटा था, मतलब इस जगह को देवथल के नाम से तो जानते ही हैं पहले से, ये पानी तो अपने आप ही पहले से यहाँ विद्यमान है, शंकर भगवान है तो पानी तो हो गए। हाँ। यहाँ एक यज्ञ वेदी का स्थल भी देखा होगा आपने, स्टेडियम के बगल में। नहीं। हाँ, पुरातत्व को वालों के पास है। मैंने तो वो नाग के बारे में सुना है कि नाग आता है कुंड में यहाँ पे। बहुत आए, एक नहीं बहुत आए, जब मतलब शुरू शुरू में मंदिर का ये चला तो बहुत आए। यहाँ एक जज साहब थे वीरेंद्र कुमार चौबे, उनका वो फाउंडर है समझिए आप इस मंदिर के, मतलब उन्होंने इसको इतना बड़ा ढांचा जो उन्होंने दिया वो उन्होंने दिया, वीरेंद्र कुमार चौबे जी थे और वो हैं बलिया के, वो यहाँ जॉब करते थे। उनको भी बताते हैं कि उन्हें भी स्वप्न आया, स्वप्न में नाग आए कि भाई एक ऐसी जगह ढूंढो जहाँ जो है उसका मंदिर बने, तो उन्होंने जो है ये जगह ये की और उन्होंने लोगों को दिखाया। विश्वास जगाने के लिए ऐसा होता है कि वो मुंसिफ कोर्ट में जज थे, तो एक बार ऐसा कि भयंकर सूखा हुआ, भयंकर सूखा पड़ा क्षेत्र में यहीं, उन्होंने बुलाया तुम वहाँ ऐसा करो कि 11 किलो का हवन कीजिए, इस जगह पर बारिश आ सकती है। वो किलो ने सबने मिलकर हवन किया तो जो है मतलब वास्तव में बारिश हो रही है। तो पहले बारिश नहीं हो रही थी यहाँ पे? काफी समय से नहीं हो रही थी, ऐसे भी होता है पहाड़ों में। हाँ, क्यों, बहुत बार होता है, जैसे आजकल अक्टूबर से बारिश ही नहीं, अब लोग बारिश के लिए तरस रहे, आजकल नहीं हुई, डेढ़ महीने बारिश, अक्टूबर से बारिश हुई नहीं, अक्टूबर में हुई थी, लास्ट बारिश नवम्बर गए, दिसंबर लगने वाला है। तो उन्होंने लोगों की आस्था इस प्रकार से जाना और वास्तव में कई लोगों को दर्शन भी हुए नाग के। अब तो सीमेंट सीमेंट बहुत कुछ लग गया ना। ये भाई साहब को तो सात फनों वाले दर्शन हुए? नहीं, जो वीरेंद्र कुमार चौबे जी थे वो तो हर रोज ही दर्शन करते थे, उनका भी ऐसा ही लगाव था। आज भी जब इस मंदिर का इस बार ये हुआ उद्घाटन, अष्टादश हुआ यहाँ भी, जब इसका ये हुआ तो आए थे, आज भी हैं और बड़ा ये रखते हैं मंदिर के प्रति। जब राम भगवान आए इस तरफ को, तो उन्होंने रामा में जो नीचे गांव नहीं है, रामा में जहाँ राजपुरी महाराज रहते हैं, वहाँ पर भगवान ने चाहा कि शिवलिंग स्थापित किया जाए। अब उन्होंने हनुमान को भेजा शिवलिंग के लिए। अब हनुमान जैसे ही पहुँचे, मतलब वो समय कमलेश्वर तक पहुँचने का हुआ हनुमान का, जिस समय के लिए शिवलिंग स्थापित होना था वही जो है
कमलेश्वर पहुंचा वो, और हनुमान ने वहां बिठा दिया, और राम ने कहा भाई इसको वहीं स्थापित कर दो। अब उसके बाद क्या हुआ कि महाराज शिवलिंग कई सालों तक मतलब किसी ने खोज नहीं पाया। अभी जो रामा के लोग हैं, रोहन के लोग हैं, नीचे जो पुजारी हैं इस समय कमलेश्वर के, इन्होंने इनके यहाँ से एक गाय जाती थी, जब जंगल गाय नहीं ले जाते हैं चराने, तो ये गाय आगे निकलती थी और उस झाड़ी में घुस जाती थी, वहाँ गौमूत्र और दूध का सिंचन करती थी उस शिवलिंग पर और बाहर निकल आती थी। तो एक डेफो हुई कमलेश्वर, जिसके नाम से वो कमलेश्वर कहे थे महाराज आज वहाँ। डेफो क्या? डेफो मतलब? डेफो मतलब रेंजर, ये नहीं होते फॉरेस्ट ऑफिसर। अच्छा। डेफो जो वो गई उस तरफ को, अब उनको अचानक से वो शिवलिंग दिखा वहाँ झाड़ियों में, उन्होंने इसकी सफाई कराई और आज वो एक प्रसिद्ध धाम बना हुआ, इसलिए उनको कमलेश्वर के ही नाम से जानते हमारा। सबसे पहले व्यक्ति वही है जो फॉरेस्ट विभाग से वहाँ गए और जिन्होंने उसके दर्शन किए हैं। और कितने साल पुरानी बात है? तो मैम कम से कम 90 साल पुराना ये है उसका इतिहास, मतलब जो वो गए होंगे फॉरेस्ट ऑफिसर रहे होंगे जब। तो किस अवस्था में था? केवल शिवलिंग था या थोड़ा सा बना था ऊपर? कुछ नहीं था, वो शिवलिंग था झाड़ी में, वहाँ गाय जाती थी और गौमूत्र और दूध का भी सिंचन अपने आप होता था शिवलिंग के ऊपर। जब उन्होंने उसकी सफाई की तो वहाँ छोटा मंदिर बना, फिर धीरे धीरे लोगों की आस्था और मान्यता के अनुसार जो है आज उसने विशाल काय रूप, और इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा धाम है, मतलब इस क्षेत्र में जो आदमी आता है वो कमलेश्वर जरूर पहुंचता है। पुरोला क्षेत्र की बात कर रहे हो? ये रामा सिराय, दो पतियां हैं पुरोला क्षेत्र में, रामा सिराय और कमल सिराय, वो रामा सिराय में प्रसिद्ध है। और जो ये है राम, मतलब रामा गांव है ये कमलेश्वर के ठीक नीचे, और राम का ही बसाया हुआ गांव है, इसलिए उसका नाम आज भी वहाँ रामशिला है जिस पर राम भगवान बैठा करते थे। और आज भी उस जगह पर रेत का शिवलिंग है जो राम ने बनाया, जब वो शिवलिंग स्थापित नहीं हो सका, हनुमान उसको ससमय नहीं पहुंचा सके, तब जाके जो है वहाँ रेत का शिवलिंग बना दिया भगवान राम ने, जो आज भी पूजा जाता है महाराज रामेश्वर में। क्या बोलते हैं, संतान गोपाल का पाठ करने जाते हैं, मतलब जिसकी संतान नहीं होती है, मान्यता है कि अगर लोग वहाँ जाएं श्रावण के महीने अपना 3 दिवसीय पाठ करें तो उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। जैसे गोपेश्वर में जो मंडल गांव है ना, अन्नपूर्णा देवी का मंदिर, ऊपर कहते हैं जिनकी संतान नहीं है तो आप पैदल चढ़ के जाओ वहाँ पे, संतान यहाँ भी यही है, वहाँ भी वही है, लोग दीपक जलाते हैं पूरी रात रहते हैं, मतलब अगर उनका दीपक पूरी रात जला तो समझे कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। ये तो बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि वहाँ पे तो स्वप्न में देती है संकेत, बिल्कुल, लेकिन वहाँ शक्ति है ऊपर मंडल के ऊपर। नहीं होगी शक्ति तो यहाँ भी है, आप जाइए महसूस कीजिए। वहाँ का एक व्यक्ति मैं भी हूँ, जो 3 साल तक मेरे बच्चे नहीं हुए थे, मैंने वहाँ पे अखंड देव दीपक अखंड दीपक जलाया, और मेरे फिर अगले साल से बच्चे, 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। एक दिन के लिए अखंड दीपक जलाया? एक रात के लिए, एक रात के लिए होता है ना अखंड दीपक का, ये दीपक ज्योति कराए वहाँ पे, सब कुछ रात रहे, पूरी रात भर जागना पड़ता है आपको, कहने का मतलब आपको उस दिए के ही दर्शन करने पूरी रात भर एकाग्र मन से। मेरी लड़की हो गई थी, उसके बाद इनका बालक भी, बालक भी। तो ये अभी तक चल रहा है, अभी तक लोगों के बच्चे हो जाते हैं, अभी भी लोग जो हैं बड़ी आस्था से जाते हैं, और लोगों की ये है कि मनोकामना पूर्ण होती है। और जाने का रास्ता पुरोला से है? पुरोला से बाया गुंद्याट गांव जा सकते हैं आप, गुंद्याट गांव से 2.5 किलोमीटर पैदल है, और एक आप ये जो मोरी रोड नहीं जा रहा, जरमोला से आप आ सकते हैं, फिर मतलब दोनों ओर से रास्ता है। रात में रुकने की व्यवस्था है वहाँ? वहाँ धर्मशालाएं बनी है, बाबा जी है वहाँ पे, नाथ जी रहते हैं। और अनोल गांव के बारे में बताइए कुछ, महासु देवता के बारे में। अच्छा, अनोल तो ऐसा है, अनोल तो बहुत ही पौराणिक धाम है। अनोल में 4 देव आए हैं, सुना है कि कोई राक्षस था जो पूरी तरह से जो किरसिर, किरसिर नाम लिखा था। हाँ, अब उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है क्योंकि दंत कथाएं हैं, वास्तविकता तो क्या है। अनोल में ये जब वो राक्षस लगा तो ये हुआ कि लोग परेशान होने लगे उसके यहाँ तक भाई से। फिर वहाँ जो है एक ब्राह्मण को स्वप्न हुआ कि आपको जो है जम्मू और कश्मीर जाना है और वहाँ से आपको ये लाने हैं। तब वो गए जम्मू और कश्मीर, उन्होंने आराधना की होगी भगवान की, तब उनको वहाँ से जो है मासू के 4 भाई हैं मासू,
बोठा, चालदा, पवासी और वासिक महाराज। जो मूल अनोल है वहाँ बोठा महाराज रहते हैं, जो बहुत कम बाहर निकलते हैं। आप गए होंगे अनोल? तो उनके पुजारी जी भी बाहर नहीं निकलते, वो अपने पुजारी को भी नहीं बाहर निकलने देते। लेकिन ये है कि वो अपने आप जो है जैसे और देवी देवता है ना, डोलियों में चलते हैं क्षेत्र में, लेकिन बोठा महाराज नहीं निकलते हैं वहाँ से। ठीक आगे महेंद्रा गए होंगे आप? नहीं। हाँ, महेंद्रत है वहाँ से ठीक 8 किलोमीटर आगे। तो महेंद्रत में माता देवलाली जो इसके संतान हैं और वासिक महाराज रहते हैं अपनी माँ के साथ। और जो चालदा है उनका काम है चलना, उनके पास ये बंगाण हो गया, जौनसार बाबर हो गया और आधा हिमांचल है, उनका काम चलना है। और जहाँ पड़ाव हो गया वहाँ मंदिर बनना सुनिश्चित है। वो 10 साल लग जाए, 2 साल में मंदिर पूरा हो जाए, चालदा का काम। और जब मंदिर बन जाएगा फिर वो चलना शुरू करेंगे, फिर वहाँ से दूसरी जगह के लिए ये करेंगे। कोई नहीं, मैं वीडियो नहीं बना रही, आप आराम से पीते। फिर चौथे आ रहे हैं। और एक सामने देखे होंगे आपने पवासी महाराज। हाँ। जो अनोल के ठीक सामने, हाँ, ठडियार, हाँ, मंदिर है। हाँ। वो पवासी महाराज का है, वो चौथे ही है उनके भाई, उन्हीं को पूजा जाता है इस क्षेत्र में। और जो वो राक्षस था वो नेटवाड़ गया गए नहीं, नहीं। हाँ, मोरी जो है ना, एक तो अनोल के लिए और एक मोरी से रास्ता जाता है आगे जो केदारकांटा हरकेदन की ओर जाता है, उस पर आगे मोरी से 10 किलोमीटर आगे एक नेटवाड़ गांव है, वहाँ स्थापित है। मतलब जो उनका सिर काटा होगा उस राक्षस का, तो उसका सिर वहाँ पहुँचा नेटवाड़ में, तो उसको वहीं स्थापित कर दिया गया। उसकी भी पूजा होती है, उनके यहाँ भी लोग आज मान्यत मतलब मन्नतें मांगने जाते हैं। उनके यहाँ बलि प्रथा आज भी जिंदा है नेटवाड़ में, पोखू देवता के यहाँ, और उन्हें न्याय के देवता के नाम से भी आज भी लोग जानते हैं। जो उनके पास जाता है उनको न्याय जरूर मिलता है। अनोल के बारे में तो हमने इतना ही सुना है कि वहाँ की ये चीजें प्रचलित हैं। आपका भ्रमण कहाँ कहाँ हुआ अभी?